Assalamu alaikum. Welcome once again to Brighter Paints Presents Colors of Pakistan. Pakistan Super League ki 5th edition bahut hi sansani khiz stages mein enter ho chuki hai aur maine isko discuss karne invite kiya hai a man who knows Pakistan cricket like none other. It's very special, a very knowledgeable journalist, Abdul Ghaffar. Assalamu alaikum Ghaffar. Wa alaikum assalam Bisma. Thank you for your kind words. कैसे हैं आप? वेलकम टू लाहौर फर्स्ट ऑफ ऑल. वाह व्हाट अ सिटी. मतलब मैं जब लाहौर आता हूँ ना मुझे याद आता है फिर जिम्बाब्वे का पहली दफ़ा आना, PSL 2 का फाइनल, फिर वर्ल्ड 11 आना. मैन दिस कदाफी स्टेडियम इज प्योर लव. इट्स एब्सोल्युटली हिस्टोरिक एंड सो इज द सिटी ऑफ लाहौर. अच्छा गफ़ार, हम लाहौर सिटी पे काम और थोड़ी सी बात PSL पे ज़्यादा कर लेते हैं. सबसे पहले तो बात करते हैं दो टीम्स जो नॉकआउट हुई हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स. आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये लोग नॉकआउट हो जाएंगे ये दो टीम्स? टू बी ऑनेस्ट नहीं, मुझे लगता था चार में तो ये 100% होंगे, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनकी ट्रैक परफॉर्मेंसेस, क्वेटा, पेशावर, इस्लामाबाद, दे एक्चुअली रूल द PSL फॉर द 4 ईयर्स. आई थिंक इट्स शॉकिंग, इट इज शॉकिंग. और आई थिंक इन दोनों टीमों को भी समझ नहीं आया होगा कि ये हुआ क्या है. लेकिन बहुत सारे इसके अवामिल जो एज अ जर्नलिस्ट या एज अ कभी कभी एज अ स्टूडेंट ऑफ द गेम मैं थोड़ा सा इसको अगर एनालाइज करूँ तो बहुत सारी वजूहत है. लेकिन आई थिंक to be honest it's a shocking one. I think they were as shocked as the fans were, kyunki Quetta Gladiators defending champions the Islamabad United 2 times champions the, to wo expect nahi kar rahe the. Aur Islamabad ke bare mein to before the PSL started ye bhi kaha ja raha tha ki it looks to be one of the strongest teams on paper, lekin kabhi kabhi field ke aur data jo hum karte rehte hain wo different hai, but once you step onto the field it's a completely different ball game. Absolutely. Dekhen, ये बड़ी अच्छा आपने सवाल किया, डेटा और वर्सेस नॉन डेटा, इस पे कैप्टन्स की, प्लेयर्स की भी. देखिए डेटा होना तो कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है. ये भी गलत बात नहीं है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, मेरा खुद जब मैंने रेहान का इंटरव्यू किया था याद है कराची में अपने शो के लिए, देवर सो कॉन्फिडेंट कि बैटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इमाद बट हैं, फ़हीम अशरफ हैं, शादाब आई थिंक वन ऑफ द फाइंड ऑफ द PSL फॉर इन रिगार्ड ऑफ अ कैप्टनसी, इन रिगार्ड ऑफ अ इनिशिएटिव एज अ बैट्समैन. बट आई थिंक कभी कभी क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, आपको नहीं पता होता कि आपने क्या चीज़ प्लान की है, क्या हो जाएगी. आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू डिस्क्राइब कि इस्लामाबाद या क्वेटा के साथ क्या हुआ. लेकिन मुझे थोड़ा सा बिस्मा जो ओवर कॉन्फिडेंस का लगता है, कुछ नहीं कहूँगा मैं समझूंगा कि हमें ये लीग में हम सब के लिए एक्सपीरियंस है कि पहली, दूसरी और तीसरे एडिशन के बाद बिस्मा मुझे लगता है कि चौथे और स्पेशली अब पाँचवें में लुक एट डेरन सैमी एग्जाम्पल, पेशावर जर्मी रियलाइज आफ्टर 2-3 गेम्स ऑफ द PSL 5, यार ये तो सीन नहीं बन रहा, वी हैव टू डू समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉर द टीम एंड दे डिड. सी आज बाकी टीमों ने मुझे लगता है थोड़ा सा वो ऑप्शन रखा नहीं, वो समझते रहे कि यही ठीक है, चलता रहे. मुझे लगता है विस्मा फॉर द PSL 6 हर टीम को बड़े फैसले करने हैं. वो जो एक टाइम होता है ना, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब हमारे प्लेयर्स हैं, लेकिन आपको अब सोचना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर एटलीस्ट PSL 5 के बाद अब हमें शायद मजीद नहीं चाहिए. प्लेयर्स तो शायद ये वाली बात ना रियलाइज करें, लेकिन मे बी इट्स हाई टाइम के फ्रेंचाइजेस रियलाइज कर लें. और जैसे आपने कहा कि बड़े फैसले लेने के ठीक टाइम पे, क्योंकि T20 क्रिकेट है, इतना फास्ट पेस टूर्नामेंट है, आपको जल्दी जल्दी डिसाइड करना है. शायद प्री टूर्नामेंट जो आपने डिसाइड किया हुआ ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, अगर वो प्लान्स नहीं चल रहे हैं तो यू हैव टू बी रियली क्विक एंड रिस्पॉन्ड. बिल्कुल. और मुझे लगता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बिस्मा के रिटेंशन जो आपको याद है सिर्फ 8 करनी थी, वो रिटेंशन बड़े बड़े नामों की हो गई मुझे लगता है हर जगह, और सिक्योर खेले सारे. बहुत कम मुझे लगा कि कोई बड़ा फैसला किया हो, उस वक्त किसी ने चौंका देने वाला फैसला नहीं किया कि कोई बड़ा प्लेयर मिस हुआ है. मेरा ये फर्म बिलीव है जो मैं समझाऊँ उस पूरे लीग को 5 सालों में, कि अब आप PSL 1 वाली टीम PSL 5 में नहीं उतार सकते. जो है नीड अ फ्रेश legs, you need a fresh mind, perhaps you need entirely different एक सेटअप. जैसे कि मुल्तान सुल्तान इस सेटअप में अगर हम बात करें कि उन्होंने शान मसूद की कैप्टनसी दे दी, उसके बाद उनके पास जीशान अशरफ को लिया उन्होंने, अच्छा गए, उनके पास 3 स्पिनर आ गए. मुझे याद है हमने शायद डिस्कस किया था कि यार ये 3 फास्ट बॉलर इरफान, जुनेद, सुहेल तनवीर, कहीं ये मेरे टूर्नामेंट ही फारिग ना हो जाए. मतलब एक कंसर्न था. आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, दे आर क्वालिटी फास्ट बॉलर, लेकिन आई थिंक जो मुल्तान ने एक वो चीज़ें प्लान की जो उस वक्त हमें समझ नहीं आई, बट आई थिंक अब तक के लिहाज से यू नेवर नो कल सेमीफाइनल है वो क्या करेंगे. लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको हर फ्रेंचाइज को थोड़े से टफ डिसीजन लेने का वक्त आ गया. जिस तरह वो कहते हैं ना थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो आई थिंक ये टाइम आ चुका है नेक्स्ट सीजन
कि थोड़ी सी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स करनी चाहिए. गफ़ार, अब बहुत जल्दी डिस्कस कर लेते हैं द टू सेमी फाइनल्स, मुल्तान सुल्तान द टीम दैट स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल वर्सेस पेशावर जलमी जो चौथे नंबर पे हैं, और फिर कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स. अपनी प्रेडिक्शन भी दे दें, पेशावर जलमी का भी बता दें. इट्स अनदर टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स ऑन पेपर ड्राफ्ट्स में, T20 स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन चौथे नंबर पे बड़ी मुश्किलों से क्वालिफाई की है. मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, पेशावर जलमी हियर. सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अपर पहना है, मेरे दिल में, मैं पेशावर में पैदा हुआ हूँ, हमारे मीडिया पार्टनर हैं और मैं उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ. तो भाई मैंने तो पेशावर जलमी को जीतते हुए देखना है, दिस इज माई विश. बट आई थिंक जो कल पहला सेमीफाइनल है, इस बार लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सेमीफाइनल. आई थिंक धूप निकली होगी, जो अब तक प्रेडिक्शन है, एक बड़ा प्योर बैटिंग ट्रैक होगा. मुझे लगता है कि जलमी का टॉप ऑर्डर नीड टू फायर, क्योंकि कामरान, हैदर, इमाम, अगर इन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया और ये जलमी ने एक प्रॉपर ग्रेड खेली, मैं नहीं कह रहा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खेलने को, 200 रन कर दें, वो 170-160 भी कर गए, तो आई थिंक वो प्रॉब्लम करेंगे. दे हैव अ गुड बॉलिंग अटैक. लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुश्किल हो सकती है. और साथ साथ मुल्तान सुल्तान के पास एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि दे हैव अ वेरी बैलेंस्ड एंड वेरी गुड, दे हैव द मोमेंटम. सबसे बड़ी बात उनके बाद एक वो एक रेपुटेशन कैरी कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में कि दे आर अ साइड जो गलतियां नहीं कर रही है. आई थिंक पेशावर जलमी मेरी टीम है, लेकिन मैं ये एडमिट करूंगा कि हमें बहुत सारी फील्डिंग में बेहतरी करने की ज़रूरत है, हमें बहुत सारे चांसेस को ग्रैब करने की ज़रूरत है. वहाब इज अ वेरी गुड एंड फ्रेश इंडक्शन एज अ कैप्टन. ही इज What do you have to say about Wahab as someone who's coming in the top order? और हैदर अली जिसको डिमोट कर दिया था लास्ट गेम में. वहाब से बात हुई, वहाब ने ये कहा कि हमारे पास गुज़िश्ता मैच में प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारे सारे प्लेयर चले गए और ऐसे प्लेयर आए जिन्होंने बिल्कुल नहीं खेला था, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना जाके एटलीस्ट एक ट्राई लूँ, कोई एक आध ऐसी चीज़ कर लूँ जिससे उस वक्त की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, और फिर बाद में जब वो लड़के खेलने आए तो थोड़ा सा वो रिलैक्स मूड में हो, जो कि विकेट गिर गई हुई थी. लेकिन आई थिंक वो मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ थी जो शायद पेशावर जलमी अब शायद ये ज़्यादा बेहतर प्रेफर करेगी कि हम सेटल डाउन हो जाए. सिकंदर रजा दे डग, उनके पास जो है वो हैदर अली मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि एक ऐसा सेमीफाइनल होगा जिसमें पेशावर जलमी का टॉप ऑर्डर, स्पेशली कामर अकमल, हैदर और इमाम, आई थिंक दे गोना प्ले अ वेरी वाइटल रोल. या लेट्स होप दे प्ले अ वाइटल रोल. जल्दी से मुझे आप सेकंड सेमीफाइनल के बारे में, लाहौर कराची आर्च राइवल्स, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें. देखिए दिल कहता है कि लाहौर कुछ करेगा, लेकिन मेरा दिमाग ये कहता है कि जो टॉप ऑर्डर है कराची का, दे आर जस्ट ऑसम, दे आर प्योर क्लास. शर्जील, उसके साथ साथ उनके पास बाबर नीचे, फिर उनके पास और इमाद वसीम जैसा एक मेच्योर ब्रेन है नीचे आके खेलेगा. आमिर आई थिंक विद द न्यू बॉल हैज़ मेड आई थिंक सीरियस इम्पैक्ट ऑन द मैचेस. जहाँ उन्होंने पहले 6 ओवर में आप कह रहे थे पेशावर जलमी के खिलाफ हैदर को जो एक बड़ा क्लासिक उन्होंने बॉल किया, ही वॉज वेरी अनलकी टू फेस दैट बॉल, इट वॉज अनप्लेबल. आई थिंक आमिर हैज़ दिस एबिलिटी कि वो मैच में शुरू में ही अपोजिशन को बिल्कुल बैकफुट पर ले जाएँ. तो है कराची किंग्स के पास ऐसे कुछ उनके पास मोहरे हैं जो आई थिंक लाहौर कलंदर्स को इधर उधर खिसका सकते हैं, बट ऑन द लाहौर कलंदर्स आई थिंक जस्ट लाइक द फेस्टिविटी ऑफ लाहौर, जस्ट लाइक जो एक प्योर पैशनेट लाहौर कल्चर है, आई थिंक उनकी टीम भी ऐसी है, या तो वो बाहर करेंगे या पार करेंगे या मार देंगे. अच्छा अब रियली क्विकली बिफोर आई लेट यू गो, प्रेडिक्शंस फॉर द फाइनल. ओह माय गॉड, मिलियन डॉलर क्वेश्चन. पेशावर जलमी, कराची किंग्स. नो मुल्तान सुल्तान. अच्छा मेरी प्रेडिक्शन है मुल्तान एंड कराची. आगे पेशावर एंड कराची एंड विनर इज कल पूछेंगे. चलिए गफ़ार, थैंक यू सो मच, आपसे हमेशा बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन होती है, और विश यू ऑल द बेस्ट. सेम टू यू, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया.